गड़बड़ किया है तो देश को उसके खामियाजा भुगतना पड़े, वो हिंदुस्तान ही नहीं और देशों के अकेले अखिलेश की वजह से प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी तक का कोई ऐसा नेता नहीं जो पानी न मान लिया। वीडियो देखिए, पिट रहे, पूरी कौम को गुंडा कहेंगे तो आपको वोट मिल जाएगा। चित्रकूट में गृह मंत्री जी ने कहा अखिलेश कितना ही जोर लगा लें मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है, कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे, चंदे में। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाए। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि अतीत से कुछ सीखने का इन्होंने की कोशिश की है कि नहीं की है। सारी दुनिया जानती है कि जब जब लोगों ने अतीत में कुछ गड़बड़ किया है तो देश को उसके खामियाजा भुगतना पड़े, वो हिंदुस्तान ही नहीं और देशों को भुगतना पड़ा, हम लोगों को भी भुगतना पड़ा, देश बट तक गया। और वो विभाजनकारी नीतियों को अब इस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक चालू करने की कोशिश कर दी गई, एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए, वहां केवल दंगा फसाद हो। इस तरह के बयान अगर देश के गृह मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक देंगे रोजाना, भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं, मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि देश का गृहमंत्री या किसी राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री इस हद तक गिरकर असंसदीय भाषा का, गाली गलौज तक का प्रयोग अखिलेश के लिए करेगा। एक अकेले अखिलेश की वजह से प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी तक का कोई ऐसा नेता नहीं जो पानी न मांग गया, भागा भागा फिर रहा है, भागा भागा। वो तो इन्होंने कमीशन के जरिए मीटिंगें खत्म करवा दी, रैलियां, वरना अभी तक इनके लोग कहीं घुस नहीं सकते थे और तब भी पिट रहे रोजाना। वीडियो देखिए, पिट रहे। तो जब गाली गलौज करोगे तो लोगों में रिएक्शन होगा, इससे ये नहीं समझते कि इससे लाभ नहीं होता है। विपक्ष का वोट यूनाइट होता है, जब अखिलेश को वोट करो गाली देंगे, जब गुंडा कहेंगे, पूरी कौम को गुंडा कहेंगे तो आपको वोट मिल जाएगा उसका कोई? अगर 100 वोट होंगे तो 1000 वोट डालेंगे वो दूसरों के, और उससे सीख नहीं चाहते कुछ भी। यानी पूरे देश में अब कोई अपनी नीतियों के लिए ये बात नहीं हो रही है, गालियां दी जा रही है, गुंडों की बाटी है, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री, और किस सीमा तक कैसे बात करते हैं? चित्रकूट में गृह मंत्री जी ने कहा अखिलेश कितना ही जोर लगा लें मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है, कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे, चंदे में। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। मैं सदन के माध्यम से कहता हूं ये आप बताइए, इतने जिम्मेदार लोग इतने गैर जिम्मेदारा बयान करें, जिम्मेदारी की बात कहें तो ये अच्छा नहीं।